मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा के सैफई में डाला वोट, भारी सुरक्षा के बीच समाजवादी लाल टोपी पहनकर बूथ पर पहुंचा अखिलेश। अखिलेश यादव बोले, यूपी की खुशहाली और समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए वोट दिया। वोटिंग के दौरान मुलायम के साथ ना होने पर बोले अखिलेश, अपने अपने समय पर सब आएंगे, अलग अलग प्रचार इसीलिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया मतदान, पूर्ण बहुमत से यूपी में बीजेपी सरकार बनने का दावा। जसवंत नगर में कटियारपुर इलाके के पोलिंग बूथ पर पत्थरबाजी, फर्जी वोटिंग का आरोप, शिवपाल यादव के काफिले पर भी पत्थरबाजी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बूथ नंबर 251 पर किया मतदान, कहा तीसरे चरण में भी बीएसपी नंबर वन रहेगी। मायावती ने किया दावा, यूपी में अपने दम पर सरकार बनाएगी बीएसपी, करीब 300 सीटों पर मिलेगी कामयाबी। मायावती ने कहा, इस बार लोग झांसे में नहीं आएंगे, बीजेपी समाजवादी पार्टी ने नहीं किए अपने वायदे पूरे। लखनऊ कैंट से बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, पहले वोट दिया नाम पर, अब वोट दें काम पर। अखिलेश को लेकर जारी घमासान पर शिवपाल यादव बोले, मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं। लखनऊ के सरोजनी नगर में कई मतदाता नाराज, वोटर आई कार्ड होने के बाद भी वोटर लिस्ट से नाम गायब। हरदोई में कुछ बूथों पर ईवीएम में खराबी से वोटिंग में आई रुकावट, बूथ नंबर 198 पर राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल को भी करना पड़ा इंतजार। बाराबंकी में चार जगहों पर ईवीएम में खराबी से रुका मतदान, हालांकि प्रशासन ने तुरंत बदली मशीन। बाराबंकी में दुल्हन ने ससुराल विदाई से पहले डाला वोट, लोगों को भी दिया मतदान का संदेश। कन्नौज में शादी के पारंपरिक विधि विधान के बीच नवविवाहित जोड़ा भी पोलिंग बूथ पर पहुंचा, दोनों ने किया मतदान। लखनऊ में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने किया मतदान, कहा उत्तर प्रदेश के लोग बताएंगे कि अखिलेश राहुल का साथ नापसंद है। कानपुर के आर्यनगर में मॉडल बूथ पर मेडिकल कैंप में भी लगाया गया वोटरों को सेहत के जांच की भी दी जा रही है सुविधा। उन्नाव में दुल्हन विदाई से पहले पहुंची वोट डालने, ससुराल वालों के सामने रखी थी शर्त, पहले वोट फिर विदाई। यूपी में तीसरे दौर में सुबह 9 बजे तक 12% वोटिंग, कन्नौज में अब तक सबसे ज्यादा 15% मतदान, 12 जिलों के 69 सीटों पर वोटिंग जारी। मुलायम के बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक ने सैफई में डाला वोट, पत्नी अपर्णा लखनऊ कैंट से हैं एसपी उम्मीदवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर में किया मतदान, 4 सीटों पर एसपी कांग्रेस के अलग अलग उम्मीदवारों के सवाल पर साथी चलती। भोजपुरी एक्टर रवि किशन भी बीजेपी में शामिल, कहा विचारधारा मिलने की वजह से लिया गया फैसला। कल बांदा में होने वाली राहुल गांधी की चुनावी सभा रद्द, मंगलवार को करेंगे प्रचार। अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को सियासी पार्टी बनाने के लिए 50,000 की दी मदद, मणिपुर में चुनाव लड़ रही है इरोम। आज फतेहपुर में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, पिछली रैली में गोद लिए जाने के बयान की जमकर रही चर्चा। गोद लेने वाले बयान पर उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पीएम मोदी को भेजा नोटिस, पूछा यूपी में आपको किसने गोद लिया। गोद लेने वाले बयान पर उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 दिनों के भीतर पीएम से मांगा जवाब। यूपी के बांदा में आज राहुल अखिलेश की साझा रैली। मुलायम ने बेटे अखिलेश के कामकाज को सराहा, विवाद के बाद पहली बार आज तक से खास बातचीत में खुलकर की बेटे की तारीफ। बांदा के एक चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने किया दावा, यूपी चुनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी बनाए नजर। ट्रंप की नजर लगी है और पुतिन की नजर लगी है कि अगर उत्तर प्रदेश ठीक हो गया तो भारत ठीक होगा। बांदा में गर्जी उमा भारती, गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के गुंडों से मायावती की जान बचाने का किया दावा। पति चिट्ठी चिल्लाती भागती फिर रही थी, समाजवादी पार्टी के भेड़िए उसका पीछा कर रहे थे, उस समय पर ब्रह्मदत्त चतुर्वेदी अपनी लाइसेंस की मांग लेके बाहर आए। यूपी में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं होने पर उमा भारती ने कहा, राम ने बालिका वध करते वक्त नहीं दिखाया था चेहरा, छिप कर किया था वार। इलाहाबाद की चुनावी सभा में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने राहुल अखिलेश की दोस्ती को निशाने पर लिया, गठबंधन को बताया मजबूरी का सौदा। कि वो लड़के
ईरानी ने समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति पर जमकर किया वार, कहा सत्ता के लालच में राहुल अखिलेश को बलात्कार के आरोपी के साथ भी है मंजूर। आज हो सकती है अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रजापति के खिलाफ दर्ज हुआ है बलात्कार का केस। झांसी की रैली में मायावती ने कहा पीएम मोदी ने पूरा नहीं किया वादा, मोदी को अखिलेश का बताया अंकल। बांदा में अभिनेत्री अमीषा पटेल ने की रैली, कांग्रेस उम्मीदवार विवेक सिंह के लिए मांगा वोट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राम मंदिर निर्माण का उठाया मुद्दा, राहुल अखिलेश से किया सवाल अयोध्या में नहीं तो बांग्लादेश पाकिस्तान में बनेगा राम मंदिर। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने खोला ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा, कोलकाता में किया जोरदार प्रदर्शन। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में भटके चार श्रद्धालुओं को वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू, 3 घंटे बाद श्रद्धालुओं तक पहुंच सके। सीतामढ़ी में भाषण के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भूले लालू यादव। जनता के नाम बताते हैं ट्रंप और मोदी पर हुए मुखर लालू, सांप्रदायिकता फैलाने का लगाया आरोप। बोले कि हम जीतेंगे तो आज सब मुसलमान को भगा देंगे। इंडिया के भी एक ट्रंप साहब। सीएम फडणवीस ने उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना, बोले इनका सिर्फ लेना बैंक से है नाता, देना से नहीं। राजस्थान के जेतराणा में एक कॉलेज में कार्यक्रम में पहुंचे वसुंधरा सरकार के मंत्री सुरेंद्र गोयल का हुआ विरोध, एबीवीपी के छात्र संघ अध्यक्ष ने कार्यक्रम पर जताया एतराज। हैरत इस बात की थी कि छात्र अध्यक्ष ने जैसे ही माइक से मंत्री के विरोध में बोलना शुरू किया, कॉलेज प्रशासन ने बचने के लिए फौरन राष्ट्रगान शुरू कर दिया। मदुरै में डीएमके ने शशिकला के खिलाफ किया प्रदर्शन, आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में बंद है शशिकला। कोयम्बटूर और रामेश्वरम में भी डीएमके समर्थकों ने शशिकला का किया विरोध। कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ से घायल सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता का एम्स में चल रहा इलाज, शरीर में धंसी हैं 16 गोलियां, देश मांग रहा है दुआ। कल बैंगलोर में हुआ एयरो इंडिया का समापन, वायुसेना के पायलटों ने दिखाए जांबाजी के करतब। दिल्ली में आयोजित उर्दू फेस्टिवल जश्न रख्ता में एक कर्नल की शायरी से लोग हुए मंत्रमुग्ध, कर्नल बीपी सिंह की किताब जिंदगी आज मुझे जीने दो का हुआ विमोचन। जिंदगी यूं उड़ा कि अर्श पे था और फिर यूं पड़ा कि फर्श पे था। क्या बात, क्या बात। जिंदगी तुझको लुटा कर जाना कि जी रहा मैं तेरे कर्ज पे था। दिल्ली के ख्याला में एक लड़की और उसके परिवार पर तेजाब से हमला, एसिड अटैक में लड़की की छोटी बहन और पिता भी झुलसे। डॉक्टर के मुताबिक इस अटैक में बड़ी लड़की करीब 40% ही झुलसी, अज्ञात हमलावर पर आरोप, पीड़िता की मां ने देखने पर पहचान लेने का किया दावा। भरूच के अंकलेश्वर में एक गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। जम्मू पुलिस ने जाली नोटों के तस्करों को किया गिरफ्तार, नकली नोट बरामद। विजयवाड़ा में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, फैक्ट्री पर पुलिस ने जड़ा ताला। केरल के एर्नाकुलम जिले में मलयालम अभिनेत्री को अगवा कर की गई छेड़खानी, फूड ड्राइवर समेत 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शूटिंग से लौटते वक्त फूड ड्राइवर कुछ साथियों के साथ जबरन गाड़ी में जा बैठा अभिनेत्री की, और छेड़खानी के बाद उसके घर के पास उतार कर फरार हुआ। धनबाद में एक स्कूल के प्रधानाचार्य पर 6ठी कक्षा की छात्रा से छेड़खानी का लगा आरोप, लोगों ने की पिटाई। हिमाचल की मंडी में डहा एक अस्थायी आशियाना, मजदूर हुआ घायल। जबलपुर में अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के 4 आरोपी गिरफ्तार, इंटरनेशनल कॉल को लोकल में कन्वर्ट कर दूरसंचार कंपनी को लगाते थे चूना। बिहार से दिल्ली पहुंचा शहाबुद्दीन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीवान से तिहाड़ जेल लाया गया। बाहुबली शहाबुद्दीन को संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली लाने के दौरान परेशान हुए ट्रेन के यात्री, पुलिस ने टिकट लेकर सफर करने वाले कई यात्रियों को S2 कोच से बाहर निकाला।
सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड का आरोपी है आरजेडी नेता शहाबुद्दीन। राजदेव रंजन की पत्नी ने जान का खतरा बताते हुए जेल ट्रांसफर की मांग की थी। यूपी के गाजीपुर में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, आक्रोशित भीड़ ने तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया। गाजीपुर में धान की भूसी से लदा एक ट्रक पलटने से हुआ हादसा, 2 बाइक सवारों समेत 4 लोगों की दबकर हुई मौत, भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ की। दिल्ली पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, चोरी की एक स्विफ्ट, 3 स्कूटी, 1 बाइक और 6 मोबाइल बरामद। दिल्ली के बसंतपुर इलाके में चोरों ने एक जासूस को ही लगाया चूना सेंध, मारी कर कैश लैपटॉप लेकर हुए चंपत। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों और दुकानदारों में झड़प, जमकर हुआ हंगामा, कई लोग घायल। गढ़वा स्थित डेंटल कॉलेज में पीडीएस की छात्रा सोनाली की मौत पर परिजनों का आरोप, कॉलेज प्रबंधन हत्या को आत्महत्या का रंग दे रहा है। सोनाली का छात्रावास के कमरे में चेहरे पर पॉलिथीन से ढका मिला शव, परिजनों के मुताबिक सोनाली कई बार रैगिंग की कर चुकी थी शिकायत।